युद्ध भूमि में मिलने वाली अधिकतर जानकारी को फॉग ऑफ वॉर के आईने से परखा जाता है। सीधे शब्दों में अनुवाद करें तो युद्ध का कोहरा, पर इस कोहरे से चीर कर पूरी कहानी हम सामने रखेंगे। क्या पुतिन सचमुच युद्ध अपराधी है? क्या रूसी सेना ने ही किया है नरसंहार? या फिर बूचा और बोरोदियांका जैसे शहरों की तस्वीरें युद्ध भूमि की ऐसी कहानी है जहां लड़ते तो दो हुक्मरान है, मरता केवल आम इंसान है। बूचा के नरसंहार का हाहाकार अभी रुका नहीं और बोरोदियांका से एक बार फिर ऐसी तस्वीरें आईं जिनको यूक्रेन पुतिन के युद्ध अपराध का सबूत बता रहा है। आज तक की टीम इस समय यूक्रेन की राजधानी कीव से लगभग 60 किलोमीटर दूर बर्दयांस्क इलाके में है और यहां पर भारी बमबारी में जबरदस्त तबाही मची रिहायशी बिल्डिंग है और इसमें बहुत भारी नुकसान हुआ है। आज इस बिल्डिंग को से लोगों को निकालने का प्रयास किया जा रहा है, जैसा आप देख भी सकते हैं, और अभी भी डर इस बात का है कि इस बिल्डिंग के बेसमेंट में या इसके मलबे में अभी भी लोग फंसे हो सकते हैं। युद्ध की आग में ध्वस्त एक और शहर यूक्रेन का शोक बन गया है। शहर की पहचान रही इमारतें अब पहले जैसी नहीं है, खंडहर बन चुकी हैं, धरोहर मलबे में तब्दील हो गए हैं, लोगों के घर खंड खंड हो गए हैं और बचपन के निशान मलबे तले दबे हैं। ये देखिए मेरे पीछे जो है एक्युमुलेटेड ट्रक है, मेटल तक पिघल गया है, क्या हालत हो गई है इसकी। और ये आपको दिख रहा है, ये जो मिसाइल से हिट हुआ है ये उसका हिस्सा है, ये पीछे दिख रहा है आपको, ये देखिए पीछे तक लंबी कतार है जली हुई गाड़ी की। भविष्य की उम्मीदों से भरी रहने वाली आंखें आंसुओं से भरी हैं, क्योंकि जो कभी घर था आज वो खंडहर है। इनका यहाँ अपना क्वार्टर था जो पूरी तरह से अभी तबाह हो गया है। ये देखिए पीछे किस तरह डिस्ट्रक्शन हुई है और जो कुछ सामान बच गया है थोड़ा जो निकाल सकते हैं ये उसको ले जाने की यहाँ से कोशिश कर रहे हैं। यूक्रेन इंटरनेशनल मीडिया के सामने कह रहा है कि बोरोदियांका के चप्पे चप्पे पर रूसी सेना के दमन के सबूत है और रूस कह रहा है कि इस दरिंदगी में उसका हाथ नहीं है। हम आज आपको यूक्रेन की तबाही और रूस के तर्क दिखाएंगे, बताएंगे कि रूसी फौज के शहरों से निकलने के बाद तबाही के कैसे निशान दिखे। इस मलबे में जिंदगी तलाशने का प्रयास इस समय जारी है और एक तरह से इसे कहें तो जिंदगी जीतेगी मौत हारेगी, यही जज्बा लेकर इस समय भी ये हेल्थ केयर वर्कर्स और इमरजेंसी वर्कर्स यहाँ काम कर रहे हैं। खबर इनको ये मिली है कि इस बिल्डिंग के मलबे से कुछ आवाजें सुनाई दी गई हैं और इसीलिए बाकी हर जगह काम छोड़कर जितने भी कर्मी हैं वो यहाँ पर भागकर आए हैं और लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। कुलदीप जी, आप वो रेस्क्यू वर्कर से बात कर रहे थे, उनकी जो टीम लीडर से, वो क्या बता रहे थे आपको? देखिए कह रहे हैं इस जगह पर जो इस वाले मेरे पीछे जो है इसमें 13 से 15 लोगों के फंसे होने का अंदेशा है और वहां पर जो है उसमें ज्यादा लोग हैं, लेकिन बोल रहे थे जैसे कि वहां से कुछ आवाजें आ रही हैं तो डॉक्टर्स भी आ गए हैं रेस्क्यू करने के लिए, टीम भी, इसीलिए उस जगह को पहले क्लीन किया जा रहा है कि लोगों के किसी के बचने होने की उनको उम्मीद है जो आवाजों से पता लग रहा है। बोरोदियांका इलाका कई दिन तक रूस की सेना के कब्जे में रहा, रूसी सेना ने यहां अपना सामरिक ठिकाना बना लिया। रूस के अफसर इसी ठिकाने पर युद्ध की नीतियां बनाते थे।
इस इलाके में रूस की सेना ने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था। पहले उनका प्रयास था कि होस्तुमल पर कब्जा करें, लेकिन जब होस्तुमल पर कब्जा उनका सफल नहीं हो पाया तो बर्दयांस को उन्होंने अपना टैक्टिकल हेडक्वार्टर्स बनाया था, और इसी बिल्डिंग में रूस की सेना के काफी अधिकारी रहते भी थे, तैनात भी थे, और यहीं से युद्ध को डायरेक्ट भी कर रहे थे, ऐसा यूक्रेन की सेना का दावा है। और इस सड़क पर हर जगह यह था कि अगर कोई दिखा तो उसे गोली मार दी जाएगी, इस तरह का नोटिस था। अब यूक्रेन की सेना के सिपाही हर गली में जाकर इस एरिया को क्लियर कर रहे हैं। यूक्रेन का कहना है कि बूचा में रूस ने जो नरसंहार किया उससे बड़ा पाप बोरोदियांका शहर में किया गया। Розбору завалів у Бородянці. Там значно все страшніше. Ще більше жертв російських окупантів. А що ж буде, коли світ дізнається всю правду про те, що російські військові наробили в Маріуполі? Там майже на кожній вулиці те, що світ побачив в Бучі та інших містечках Київської області після відходу російських військ. Така ж жорстокість, такі ж страшні злочини. पुतिन पर युद्ध अपराध के संगीन आरोप हैं और यूक्रेन उन सबूतों को जमा कर रहा है, दुनिया के सामने पेश कर रहा है ताकि पुतिन पर मजबूत केस बनाया जा सके। Kyiv region, we find in Kyiv region, Makariv, Borodyanka, Buch, Lhostomel, Irpin, we found 650 dead bodies. From them, it is 40 dead bodies, only kids. इमारतों के मलबे में लोगों के शव दबे होने की आशंका है। शहर के लोग बता रहे हैं कि हमला हुआ तो लोग इमारतों के भीतर थे। Моя залишилася брат, мама залишилася, брата дружина, брата теща, тесть і інші люди, які теж там були, які теж знаходилися в підвалі. Але були люди і зверху, і також були з дітьми. Буча के नरसंहार पर यूक्रेन और रूस के अपने अपने दावे हैं, लेकिन बूचा के बाद गोस्तोमेल में शव मिले और अब बोरोदियांका की भयानक तस्वीरें पूछ रही हैं कि इस युद्ध का अपराधी कौन है।